पर जिहड़ी तू गल करदे ने वी इक जगह क्यों नहीं इकट्ठे होंदे कि इह मैनूं लगदा कोई इस तरहां दी गल नहीं। सिद्धू मूसेवाले नूं चाहुण वाला बंदा कनेडा 'च बैठा है, वह युगांडा 'च बैठा है, वह पाकिस्तान 'च बैठा है, वह जलंधर 'च बैठा है, वह हर जगह बैठा है। जे वह अपनी अपनी जगह पर कुछ कर रहा है तो इह 'च की प्रॉब्लम है? सगों चंगी गल है जे बंदा एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकता, वह अलग अलग जगह पर। हुण वह बंदा एक तो ये लोगों का बहुत बड़ा भुलेखा, सब लगता कि वह साडा सी, मैं कहना वह सारिया का सांझा सी साडा। जिहड़े लोग पाकिस्तान वाले असीं कह दिंदे कि पंजाबी बोलते हैं, जिहड़े लोग नाइजीरिया के लोग ने, हफशी लोग ने, जां ड्रेक वर्गे बंदे ने, वह तो पंजाबी समझते नहीं, पंजाबी बोलते नहीं, वह भी उहदे बारे अफसोस करते हैं, प्यार करते हैं। सो म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होंदी, कोई जुबान नहीं होंदी, सो इस करके उन्होंने सारे प्यार करते हैं। जो तुम कहो भी सारे बंदे एक जगह पर इकट्ठे हो सकता उस दिन किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इस करके हर बंदे ने अपना अपनी जगह दुख मनाया है। जिन्हां ने उन्होंने मारिया है अब जो भी पछता रहे हैं भी असी उन्होंने मार के किड्डा बड़ा पंगा ले लिया। वो खुद उन्होंने लोगों को पता नहीं कि सिद्धू मूसेवाला किड्डी वड्डी चीज़ है। सिद्धू मूसेवाले खुद को आप नहीं पता मैं किड्डी वड्डी चीज़ हाँ, कि लोग किन्ने लोग उन्होंने प्यार करते हैं। मतलब कदे होया नहीं है हिस्टरी के कि एक बंदे के जाने तो इन्ने मैं 3 महीने हो गए कल उन्होंने जान तो बाद भी लोग उस तरह वो घर जाते हैं, लोग उस तरह याद करते हैं, लोग उस तरह पोस्टा पाते हैं। सो ये बड़ी गल है, इनू असी घटा के ना देखिए, इनू छोटी ना करिए। असी लोगों के मन के हमेशा बसदर होगा। एक किड्डी वड्डी उन्हां लोगों के मूँह से चपेड़ है कि साडे कोलों शरीरक तौर पर किसी को खो के लै गए, पर साडे दिलों चो किवें कढोगे? तुसीं छोटे छोटे बच्चे जाके, साडियां भैणां, साडे स्टूडेंट बाहरों आके उसके समाध से मत्था टेकन जाते हैं, उत्थे जाके रोंदे ने, उन्हें याद करते हैं, सजदा करते हैं। और वो लोग जिहड़े कदे जिंदगी उन्हें मिले भी नहीं, ऐसा ऐसा पोस्टां देखियां कहिंदे यार मैं तेरा कदे गीत भी नहीं सुनिया, हुण तां दिल चो निकल जा। मतलब उन्हें लोगों के दिलों घर किया। फिर तुम ये गल किवें कह सकते हो भी फलानी जगह इकट्ठे हो जाओ? एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते भाई। जिस दिन उस बंदे की अंतिम अरदास, जिस दिन उस बंदे अंतिम संस्कार किया गया, उस दिन वह धरती छोटी पै गई, कट्ठ नहीं सांभे गए। सो इस करके किसी भी एक धरती से कट्ठ किवें सांभिया जा सकता है? उत्थों की अर्थव्यवस्था, उत्थों का किन्ना डामाडोल हो जाए सारा काम, पुलिस प्रशासन किवें सांभूगा लोगों? सो मैं कहना जो लोग आपो अपनी सिटी सिटी उन्होंने कोई श्रद्धांजलि दिता है, वो कोई कैंडल मार्च करता, उन्होंने कर लेना चाहिए। एसोसिएशन अपना फॉलोअप ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल लै रही है। लगातार अभी सरकार के टच में हाँ, तो सरकार भी यह कहती है कि लगातार ये साड़ी इज्जत का सवाल है, साडे लिए एक बड़ा सवाल है कि साढ़े समय से यह होया। सो असी ये पूरा तान ला रहे हैं, असं ये लगे हुए हैं, असी किन्ने बंदे देखो फड़े हुए हैं, असी किन्ने तक पहुँचे, असी 2 बंदे मार चुके हैं। सो सरकार का अपना पक्ष है जी, ये सो ये कोई छोटी गल नहीं, इहनू कोई भी उठ के मोबाइल पर बोल के इन जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं लगता मैम जो उन्होंने मदर असं देखते हैं सिद्धू की मदर है ना, तो एक दर्द जहाँ सारिया के दिल जुड़ता है ना, तुम भी देखते होवोगे वीडियोज़ और थोड़े दिल से भी दर्द उठता होगा। एक माँ के तौर पर तुम की कहना चाहोगे कि एक माँ लिए कि औखा है इस वेले खुद डट के फिर भी अपने बच्चे लिए इंसान? देखो जी, माँ का संसार तो आपके बच्चे से ही वसद है ना, वह तो संसार ही सुन्ना हो गया है ना, उहदे लई तां सब कुछ ही खत्म हो गया। हालांकि मतलब लगातार उन्हां दे कोल सारे जने जा रहे ने, मतलब उन्हां दे आले दुआले अनेकां सिद्धू ने, उन्हां नूं हर एक चो सिद्धू दिखदा क्योंकि सारे ही सिद्धू की गल कर रहे ने। सो पर मैनूं ऐं लगदा वी एक माँ का तो सारा ही कुछ खो लिया उन्होंने। सो वो दर्द है जिहड़ा जिद्दें दा सिद्धू इस दुनिया तो गया, मैनूं नहीं लगता कि वह हुण भी वह सारियां जो फिजावां जो हवावां सिद्धू सिद्धू होए पिया उन्हां च, मतलब लगता ही नहीं गा भी ये की हो गया है ना, भी वह उदासियाँ वो हाले तक भी नहीं जा रही। मैनू लगता जी वह कदे भी नहीं जानियाँ। एक माँ को एडा का घाटा पै गया, माँ तो माँ होंदी है, चाहे वह सिद्धू ना भी हुंदा, चाहे कोई आम बच्चा हुंदा, माँ तो माँ होंदी है ना, पर फिर वह तो सिद्धू सी है ना। सो मैनू नहीं लगता भी एदू वड्डा घाटा एक माँ लई कोई होर। माँ बाप तो इन्ने भोले, मैं 30-35 दिन इकट्ठा रहा, असीं इकट्ठे शूट किया उन्होंने नाल, वो तो इन्ने भोले बंदे ने बेचारे, इन्ने डीसेंट लोग ने। सो माँ तो वो हर टाइम नाल रहिंदी सी, अपने अपने पेरेंट्स नूं प्यार करदा सी। वो मरदा मरदा भी सानूं किन्नियां चीज़ां सिखा गया भी तुसीं पिंड रहो शहर रहो इन्हां गल्लां नाल फर्क नहीं पैंदा, तुसीं अपना माँ बाप है जिहड़ा, चाहे वह अनपढ़ है चाहे वह बहुत वैल सैटल है, पर थोड़ा पेरेंट्स ही हुंदा, वो अपने बापू नूं एक दोस्तां वांग प्यार करदा सी, अपनी माँ नूं हमेशा दोस्तों वाग नाल रखता सी। किड्डे बड़े मैसेज ने उहदे। तुसीं इह देखो जी, जदों डैथ बैड ते पिआ, जदों उहनूं लैके जाण दी तैयारियां हो रहियां, उहदी माँ दा जूड़ा गुंद रही है, हाय हाय। मतलब तुसीं देखो भी ये तो बर्दाश्त तो बाहर की गल सी, किड्डा धन जिगर है वह माँ का, कदे भी पूरा नहीं होना, कदे भी पूरा नहीं हो सकता, कदे भी पूरा नहीं। यही कहा जा सकता कि इंसाफ जल्द तो जल्द परिवार को मिले जी, तो इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर गलबात। शुक्रिया, थैंक यू जी।
ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।